गुजरात जलकल विभाग में तैनात एक जेई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि ये 29 लाख रुपए की पेमेंट के एवज में पिछले कई दिनों से बादी से पैसे की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का चाबुक भ्रष्टाचारियों पर लगातार चल रहा है, जिसकी एक तस्वीर मुरादाबाद के जलकल विभाग में भी उस समय सामने आई जब विभाग में तैनात जेई अश्वनी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने सिविल लाइन स्थित TDI सिटी क्षेत्र में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रोहित के संस के नाम से कंपनी चलाने वाले योगेंद्र त्यागी ने एंटी करप्शन टीम को शिकायत की थी कि उसके द्वारा कराए गए कंट्रैक्शन का 29 लाख रुपए जलकल विभाग पर बकाया चल रहा था, जिसमें उक्त जेई बिल पास कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और रिश्वत में 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिन्हें आज 50,000 रुपए लेते हुए टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम आरोपी को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई है, जहां पर टीम ने अपनी पूरी कार्यवाही करते हुए आरोपी जेई अश्वनी और उसके सहयोगी को मीडिया के सामने पेश किया। एंटी करप्शन टीम इंचार्ज ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जेई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रोहित क्रिएशंस के नाम से एक ठेकेदार है, ये इनका नाम है श्री योगेंद्र प्रकाश त्यागी। इन्होंने ढक्का कुंदनपुर में कुछ मकानों का कंस्ट्रक्शन कराया था, जिसमें इनको कुछ मटेरियल का पैसा तो मिला था, लेकिन 29 लाख रुपए के करीब इनका जो है अभी पेमेंट ये मजदूरों का और मटेरियल का होना था, जिसमें इनसे 50,000 रुपए की मांग जेई श्री अश्विनी कुमार द्वारा की जा रही थी। इन्होंने हमारे मुरादाबाद ऑफिस में रिपोर्ट किया, उस पर हमने जो है कुछ अपनी क्रिमिनल इंक्वायरी कराई और उसके जांच के आधार पर पाया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है और इनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। कोई सबूत रिकॉर्डिंग वीडियो? भैया एक मिनट भैया, बाद में बात कीजिएगा। अरे हमें अश्विनी कुमार और इनके सहयोगी जो कि प्राइवेट काम कर रहे हैं, योगेश प्रकाश जो ये